हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन की एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन एडिशन सीखने से पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं पहले वो सीखेंगे। मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है, 4 इज अ होल नंबर, द 3/5। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 द 20 प्लस जो आपके पास डिनोमिनेटर है यहाँ पे वो ऐड कर देंगे इसमें, और डिवाइडेड बाय 10 डिनोमिनेटर। सिंपल है, आप लोगों के पास 10 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन ऐड दिस वन, 4 5 द 20 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 23/5। क्योंकि जब हम एडिशन करेंगे तो वहां पे आप लोगों के पास मिक्स फ्रैक्शन में भी एडिशन आएगी, तो आपको पहले वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद एडिशन आप या सब्ट्रैक्शन जो है वो आप लोग करोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशन, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। देखिए, एडिशन जब भी आप करोगे तो आपके पास दो तीन तरह के फ्रैक्शंस आएंगे। सबसे पहले ऐसे फ्रैक्शन जिनके जो डिनोमिनेटर होंगे वो सेम होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, 3/4 प्लस 5/4 को आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड होता है, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको एज इट इज डिनोमिनेटर लिख देने होते हैं। मैंने जैसे 4 यहां पे लिख दिया, अब सिंपली जो आपके पास डिनोमिनेटर है उनको ऐड कर दीजिए, दिस 3 प्लस 5, तो आपके पास आंसर आ गया आपके पास 8/4। इसको आप कैंसल आउट भी कर सकते हैं, 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 2। ये तो वो केस था जहां पे आपके पास डिनोमिनेटर जो थे वो सेम थे, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम रहेंगे। इसका मैं दूसरा वर्जन भी आपको बताता हूं कि इसको दूसरे स्टाइल से आप कैसे करेंगे, जो हर तरह के फ्रैक्शंस में आपको हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, रफ में उनका एलसीएम फाइंड आउट करिए। जैसे इसी क्वेश्चन में लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 4 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करिए, 2 1 द 2 2 द 4, दिस इज 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4 इज योर एलसीएम। निकालिए एलसीएम, जो भी आपके पास एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर में रखिए। ये आपके पास 4 डिनोमिनेटर में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फ्रैक्शन को चेक करेंगे और उसके डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 1 द 4 जो भी डिवाइड करके आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पे 4 1 द 4 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 द 3 यहां पे लिखिए, प्लस सेम रूल यहां पे नेक्स्ट वाले में अप्लाई करिए। सेकेंड फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 4 से 4 को डिवाइड किया, 4 1 द 4, और जो भी डिवाइड करके आए उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 द 5, तो यहां पे आपके पास कितना आ गया, 3 प्लस 5, अगेन योर 8/4, कट कर दीजिए, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 इज योर आंसर। सो किसी भी तरह का आपके पास फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो वहां पे आप सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एडिशन का। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/7। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किसका, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर्स होंगे उनका एलसीएम फाइंड आउट करिए, 5 और 7 का एलसीएम, तो 5 1 द 5 और 7 एज इट इज, तो 7 7 1 द 8।
तो व्हाट इज योर एलसीएम? 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 इज योर एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उसको कहां लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। सेम स्टेप यूज करेंगे, डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड करके आएगा उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 35, 7 आया तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21 प्लस 7 से 35 को डिवाइड करिए, 7 5 35, और जो आपके पास डिवाइड करके 5 आता है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 ऐड करिए, 21 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 31 अपॉन 35, दिस इज योर आंसर। सिंपल, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल यूज करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी सेम आप लोग अप्लाई करोगे। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, इलेवन अपॉन सिक्स माइनस दिस 5 अपॉन 3, लेट सपोज आई एम टेकिंग दिस। सबसे पहले 6 और 3 का क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। करिए एलसीएम फाइंड आउट करिए, 6 और 3 का एलसीएम, 3 2 6 3 1 3 2 1 2 2 1 2, आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 इज एलसीएम। लिखिए यहां पे 6, आप लोगों के पास यहां पे आ गया। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, 6 से 6 को डिवाइड किया, 6 1 6 मल्टीप्लाई करिए, 1 आया, मल्टीप्लाई करिए ऊपर, 11 1 11 माइनस 3 2 6, 2 आया तेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10 करिए, सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 11 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 1 1 अपॉन 6, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है वो फ्रैक्शंस की करेंगे। होप आपको समझ आया होगा, प्रैक्टिस करिए मैथमेटिक्स में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए बच्चों में, ताकि और बच्चों को भी सीखने का मौका मिले। आगे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मल्टीप्लाई और डिवाइड की आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।